नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास यह विषय और उसमें से द्वंद्व समास यह लेकर आई हूँ। इसके पहले कि हम सारे समास कर चुके हैं, अभी ये द्वंद्व समास और बहुव्रीही समास, ये दो ही बचे हुए हैं, तो इन दोनों को मैंने आज इनके वीडियो बना रही हूँ। आइए देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए वह समास द्वंद्व समास होता है। यानी यहाँ पर हमने समस्त पद, मैंने आपको समझाया था राजकुमारी ये समस्त पद है, फिर राज जो है वो प्रथम पद है और जो कुमार है वो द्वितीय पद है, यानी कि प्रथम पद यानी राज और उत्तर पद यानी कि प्रधान, तो जो मिलकर जो बनता है राजकुमार वो समस्त पद है। अब हम यहाँ पे द्वंद्व समास के अंतर्गत देख रहे हैं कि दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो, है ना, एक भी एक दूसरे से कम ना हो, तो ऐसे दोनों पदों को मिलाते समय उनके बीच में और आता है या अथवा आता है या फिर या आता है या फिर एवं आता है, ये सारे जो शब्द होते हैं इनको हम योजक चिन्ह यानी कि इस चिन्ह से जानते हैं। जैसे ये वाला, ये यहाँ पे योजक चिन्ह है, इनको हम योजक चिन्ह बोलते हैं और इन योजक चिन्हों का अर्थ होता है और अथवा या एवं, इनमें से कुछ न कुछ अर्थ इन योजक चिन्हों का होता है। तो जैसे अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, रात दिन, रात या दिन, राजा रंक, राजा या रंक, देश विदेश, देश या विदेश, भला बुरा, भला या बुरा, आटा दाल, आटा या दाल, है ना, यहाँ पे क्या होगा आटा या दाल। उसके बाद में हम देखते हैं पाप पुण्य, पाप या पुण्य, लोटा डोरी, लोटा या डोरी, है ना, सीताराम, सीता और राम, यहाँ पे सीता और राम या सीता या राम, है ना, यहाँ पे हमको दो अलग अलग कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। सीता अपने आप में एक पूर्ण कैरेक्टर, राम अपने आप में एक पूर्ण, दोनों संज्ञा है ना। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, खरा खोटा, खरा या खोटा, रुपया पैसा, रुपया या पैसा, मार पीट, मार या पीठ या मार और पीठ, माता पिता, माता और पिता, दूध दही, दूध और दही, है ना, इस तरीके से हम देखते हैं भूल चुक, भूल या चुक, सुख दुख, सुख या दुख, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, गुण दोष, गुण और दोष, नर नारी, नर और नारी, या गुण दोष को गुण या दोष, इस तरीके से भी देखा जाता है। अब इसमें इतर इतर जो द्वंद्व समास होता है उसमें जन्म मरण, जन्म और मरण, लेन देन, लेन और देन, एड़ी चोटी, एड़ी और चोटी। अब यहाँ पर यही चीज़ आपको एज इट इज़ लिखना है और इसके बीच में और लगाते जाना है ना, एड़ी चोटी, एड़ी और चोटी, तिल तेल, तिल और तेल, है ना, तिल और तेल। उसके बाद में भाई बहन, भाई और बहन, इस तरीके से आपको लिखते चले जाना है। तो मैंने उसको लिखा नहीं है, माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, हवा पानी, हवा और पानी, ठंडा गरम, ठंडा और गरम, मार पीट, मार और पीट। अब यहाँ पे हम देखते हैं वैकल्पिक, वैकल्पिक यानी कोई ना कोई विकल्प उनको दिया जाता है, जैसे और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, आपको बोला जाता है ना इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करो, दिस और दिस, है ना, तो जो और दिया रहता है उसको हम यहाँ पे या के नाम से जानते हैं। तो जहाँ या ये शब्द आता है वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। सत्यासत्य, सत्य या असत्य, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, है ना, समाहार, समाहार द्वंद्व समास। अब यहाँ पे समाहार ऐसा होना चाहिए, क्या है ये शब्द, समाहार, ठीक है, समाहार द्वंद्व समास, द्वंद्व यहाँ पे भी ये द्वंद्व, ठीक है, ये यहाँ वो लगना चाहिए, द्वंद्व समास। तो दाल रोटी, ये द्वंद्व का मतलब अलग हो जाएगा, इसलिए द्वंद्व समास दाल रोटी, दाल रोटी वगैरह,
समाहार द्वंद्व समास यानी इसमें वगैरह वगैरह, जिसमें इन दो चीज़ों के अलावा भी कई चीज़ें मौजूद होती है उसके अंदर इंक्लूड रहती है। जैसे हम बोलते हैं ना दाल रोटी के लिए तो कमाते हैं, यानी खाने के लिए कमाते हैं। अब खाने में सिर्फ दाल रोटी ना आके बहुत सारी सब्जी है और कोई पदार्थ है सब आ जाते हैं। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता वगैरह, सिर्फ कपड़ा लत्ता नहीं होता, कपड़े लत्ते के कई प्रकार होते हैं। फल फूल, फल फूल वगैरह, यानी फल फूल, फलों में अलग अलग प्रकार। साग पात, साग पात वगैरह, यानी अलग अलग तरह की सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, दूसरे प्रकार की सब्जियाँ। हाथ पैर, हाथ पैर वगैरह, शरीर के अंगों की बात की जा रही है। धन दौलत, धन दौलत वगैरह, धन दौलत सिर्फ पैसा नहीं होता, तो कई तरीके धन दौलत होती है वैसा। आहार निद्रा, आहार और निद्रा यानी खाना और सोना, ये वाली जो खाने से रिलेटेड आहार और निद्रा, तो आहार निद्रा है ना, आहार और निद्रा वगैरह वगैरह, यानी आराम उसके अंदर आ गया, शांति उसके अंदर आ गई, संयम उसके अंदर आ गया, आहार निद्रा है ना। सब्जी भाजी, सब्जी भाजी वगैरह, यानी सब्जी भाजी के अंदर कई प्रकार की सब्जी भाजियाँ आ गई। वैकल्पिक, वैकल्पिक में मैंने जैसे आपको अभी ऊपर बताया था कि या ये चीज़ आ जाती, वहाँ पे वैकल्पिक जो है, वैकल्पिक जो है द्वंद्व समास हो जाता है। कर्तव्य, कर्तव्य यानी कर्तव्य या अकर्तव्य। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। सुरासुर, सुर या असुर। आजकल, आज या कल। जीवन मरण, जीवन या मरण, यानी मुझे ये और जो है आपके एग्जांपल्स जो है याद आ गए थे यहाँ पे, मुझे ये सिर्फ ये तीन एग्जांपल याद आ रहे थे लिखते समय, तो मैंने ये तीन लिख दिए, लेकिन थोड़े समय के बाद में मुझे और एग्जांपल याद आए तो मैंने ये आपके यहाँ पर इनको भी लिख दिया है ना। तो इस तरीके से आपको और थोड़े से एग्जांपल मिल गए। मेरे हिसाब से जितने एग्जांपल ज़्यादा हो उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको ये द्वंद्व समास का मेरा जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब खूब सारे आने चाहिए, जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे उस हिसाब से आपके लाइक्स चाहिए, आपके सब्सक्रिप्शंस चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और मेरे इस चैनल को खूब खूब आगे लेकर जाइए, यही मेरी आपसे विनती है। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।